Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा के श्रृंखला में हमने बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों के बारे में चर्चा की है आज हम विनायक दामोदर सावरकर के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें इनके समर्थक या इनके अनुयायी वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं या उस नाम से भी पुकारते हैं विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में विपुल लेखन किया देश के लिए वो लड़े भी अपने जीवन के एक भाग में वो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में थे और उन्होंने एक लंबी सजा भी काटी जे देश के आज़ादी में भाग लेने के कारण बाद के दौर में वो ज़्यादा चर्चा में रहे हिंदुत्व संबंधी अपने विचारों के कारण और अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति के कारण जो उन्होंने हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में संचालित की उसके बाद के दौर में उन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी लगा मुकदमा भी चला हालांकि वो बरी हो गए आ, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात विनायक दामोदर सावरकर के बारे में है वह यह कि अपने जीवन के तमाम हिस्सों में सामने आते रहे और कई लोग वर्तमान दौर में उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं तो लोगों का एक बड़ा समूह ऐसा भी है जो यह मानता है कि विनायक दामोदर सावरकर का विचार असल में भारत के विभाजन के लिए भी जिम्मेदार माना जा सकता है हमारी कोशिश यह होगी कि आज की इस चर्चा में हम आपको आ, सावरकर के जीवन के बारे में आ, कुछ बुनियादी जानकारी दें और हम यह कोशिश करें कि आप सावरकर के विचारों को सूत्र रूप में समझ पाएं और उसके बाद आप आगे और सावरकर के बारे में अध्ययन करें सबसे पहले मैं आपको आज की अपनी इस पूरी चर्चा की रूपरेखा देना चाहूँगा सबसे पहले जब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे तो हम सावरकर के जीवन परिचय पर ध्यान केंद्रित करेंगे यानी कि हमारी यह कोशिश होगी कि हम समझें कि उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बाद हम हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में सावरकर के काम पर ध्यान देंगे हम सावरकर के विचारों को देखेंगे और उन विचारों में सबसे पहला बिंदु जिस पर हम ध्यान देंगे वह है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक के रूप में सावरकर और उसके बाद हिंदुत्व तो और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा जो उन्होंने प्रस्तुत की इसके बाद हम गांधी और अहिंसा के उनकी आलोचना पर ध्यान केंद्रित करेंगे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रसार प्रचार पर जो उन्होंने ध्यान केंद्रित किया उस पर हमारा ध्यान रहेगा और फिर हम इस बात पर विचार करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से हिंदू धर्म की समीक्षा की और छुआछूत का विरोध किया गोहत्या और गो पूजा के बारे में भी हम उनके विचारों को देखेंगे फिर हम उनके विचारों के कुछ सीमाओं पर विचार करेंगे और और निष्कर्ष रूप में कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई छाछ को हुआ था और उनकी मृत्यु 26 फरवरी को हुई वे भारत के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक इतिहासकार राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे उन्हें प्रायः उनके समर्थकों द्वारा स्वतंत्र वीर और वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है वी एक वकील, कवि, लेखक और नाटककार भी थे उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु तो सतत प्रयास किए और इसके लिए आंदोलन चलाए उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद तर्कवाद प्रत्यक्षवाद मानवतावाद सार्वभौमिकता व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व हैं कुल मिलाकर ये सारे जो शब्द हैं उनमें अलग अलग उनकी व्याख्याएं हो सकती हैं उनके बारे में अलग अलग लेक्चर्स हो सकते हैं एक एक घंटे के पर मोटे तौर पर आप यह समझ कर रखें कि अगर हमें विनायक दामोदर सावरकर को समझना है तो हमें एक ऐसे तार्किक व्यक्ति को समझना होगा जो कि तर्क बुद्धि के आधार पर रीजन के आधार पर चीज़ों की व्याख्या करना चाहते हैं उसको समझना चाहते हैं और फिर वो जिस रूप में चीज़ों को देखते हैं उसे वो लागू करने का एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं वो धार्मिक रूढ़ियों धार्मिक परंपराओं, पुरातन सोच से जकड़े हुए चिंतक नहीं हैं बल्कि वो हमेशा ही नए तरह से बातों पर विचार करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं सावरकर एक कट्टर तर्क बुद्धिवादी या एक रैशनल पर्सन थे जो सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे तो हिंदुत्व के विचार जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया उससे हमें इस भ्रम में नहीं पढ़ना चाहिए कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे बल्कि वो खुद हिंदू धर्म के सारी रूढ़िवादी विचारों का भी विरोध करते थे और आगे जब हम गाय या गोहत्या के बारे में उनके विचारों को देखेंगे तो यह बात ज्यादा साफ तरीके से सामने आएगी विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र जिसे के जिसे उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था के नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था उनकी माता जी का नाम राधाबाई तथा का नाम दामोदर दामोदर पंत सावरकर सावरकर था। इनके दो भाई गणेश, बाबा राव व नारायण तथा एक बहन नैना बाई थी जब वे केवल नौ वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी से उनकी माता जी का देहांत हो गया इसके सात वर्ष बाद सन अठारह में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्ग सुधारे इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की बचपन से ही वे पढ़ाकू तो थे ही अपितु उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं सन उन्नीस में रामचंद्र त्र्यंबक चिपलुणकर की पुत्री यमुना बाई के साथ उनका विवाह हुआ 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत और जस्वी भाषण देते थे दस मई उन्नीस को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्र का प्रथम संग्राम सिद्ध किया 1909 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 प्रकाशित हुई इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस शीर्षक से और ये एक बहुत बड़ा योगदान विनायक दामोदर सावरकर का माना जाता है कि उन्होंने यह साबित किया कि जिसे आमतौर पर अंग्रेज एक गदर एक बगावत की संज्ञा देते हैं असल में वो राष्ट्रीय भावनाओं से संघर्ष था देश की आजादी के लिए और यह जो इसका पूरा एक वर्णन है उन्होंने बहुत सारे प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया और इस बात को साबित करने की कोशिश की इस पुस्तक में सावरकर ने अठारह के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया आमतौर पर उन दिनों ऐसी बहुत सारी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था उन्नीस सौ नौ से कुछ वर्ष पहले ही प्रेमचंद की पुस्तक सोजे वतन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था उसके पहले uh, महात्मा गांधी की पुस्तक का भी यही हस््र हुआ था उसके बाद या इसी वर्ष के आसपास महात्मा गांधी की पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी 1909 में ही उसके साथ भी यही हस््र किया गया था तो अंग्रेज पुस्तकों पर लगातार प्रतिबंध लगाने के काम में माहिर थे मई 1909 में आ, सावरकर ने लंदन से बार एट लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना आरंभ कर दिया था सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे एक जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा हट कॉलेज विलियम हट आ, कार्जन वायली को गोली आ, मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था तेरह मई उन्नीस को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया परंतु आठ जुलाई 1910 को एम एस नामक जहाज से भारत ले जाते हुए शिवर के रास्ते से ये भाग निकले 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास की दिया गया एक अन्य मामले में इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांति कार्यों के लिए दो दो आजन्म कारावास की सजा दी यानी कि पचास साल की सजा नासिक जिले के कलेक्टर जैक्शन की हत्या के लिए नासिक षडयंत्र केस षडयंत्र के अंतर्गत इन्हें सात अप्रैल 1911 को काला पानी के सजा पर सेलूलर जेल भेजा गया उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था कैदियों को यहाँ नारियल छील उसमें से तेल निकालना पड़ता था साथ ही इन्हें यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जुत कर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे व बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था रुकने पर इनको कड़ी सजा व बेत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक आ, इस पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे तो ये जो काला पानी की सजा थी जैसा कि नाम से ही सिल्लर जेल को काला पानी कहे जाने का मतलब ही यह था कि यह एक तरीके से देश से बाहर भेजने की तरह था जो मुख्य जमीन देश की थी उससे बाहर भेजने की तरह था वहाँ की जो सजा की जो पूरी एक स्थिति थी वो बड़ी ही विकट थी जो आमतौर पर छोटे 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 जेल सुधार जैसे मैनुअल लागू हो रहे थे वो वहाँ बहुत कम लागू थे क्योंकि वहाँ देखने वाला भी कोई नहीं था लोगों को अपने बाहर जो लोग थे परिवार के लोग थे उनसे संपर्क करना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल था एक एक चिट्ठियों पर भी कई तरह की निगरानी रखी जाती थी और जो भी वहाँ लोग थे वो कई सारे लोग तो यातनापूर्ण जीवन के कारण पागल भी हो गए कई सारे लोगों का को बार बार ये दिखाया जाता था कि कैसे आ, किसी क्रांतिकारी को फांसी दी जा रही है वह भी लोगों के जीवन पर काफ़ी गहरा असर डालता था और सावरकर भी इस बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में रहे, और भी कई आ, लोग इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में रहें और देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं सर्वोच्च कष्ट जो सहना होता था वो सहा लेकिन इस दौरान आ, सावरकर ने छः बार अंग्रेजों को माफीनामा भी लिखा जिसमें उन्होंने बार बार यह दोहराया कि सरकार अगर कृपा और ये मैं उनकी एक चिट्ठी से कोट कर रहा हूँ सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूँगा जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है हालांकि उनके समर्थक यानी कि सावरकर के समर्थक यह मानते हैं कि सावरकर की यह एक कूटनीति थी और वे जेल से बाहर आकर देश की सेवा करना चाहते थे यह एक विवादित पहलू है मैं इस पर बहुत गहरे में बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आम तौर पर जो आजकल की जो राजनीति चलती है उसमें भी यह मुद्दा बार बार उभर कर सामने आता है और जो एक खास तरीके की राजनीति की राजनीतिक समूह से जुड़े होने के कारण सावरकर का विरोध करते हैं वो बार बार इन माफी नाम की बातों का उल्लेख करते हैं लेकिन जो सावरकर को स्वतंत्र वीर स्वतंत्र वीर सावरकर के रूप में देखते हैं एक आदर्श मानते हैं उनका उनकी बार बार यह दलील होती है कि एक बार शिवाजी ने भी औरंगजेब और को इसी तरह की चिट्ठी लिखी थी या फिर सावरकर को यह एहसास था कि जेल में रहकर वो देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसी कारण से सावरकर ने यह सोचा कि अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो देश की समाज की ज़्यादा बेहतर सेवा कर पाएंगे तो इसमें यह वाद विवाद का विषय लगातार बना रहेगा लेकिन आगे कुछ बिंदु जरूर मैं इसमें जोड़ूंगा जब हम विचारों के आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले खंड पर पहुंचेंगे तो पर मैंने सिर्फ इस विवाद की तरफ आपका ध्यान दिलाया आप चाहें तो इसके बारे में और ज्यादा अन्य स्रोतों से पढ़ सकते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि खुद महात्मा गांधी ने भी इनके पक्ष में जब इन्हें जेल से नहीं छोड़ा जा रहा था काला पानी से तो इनके पक्ष में लेख लिखा था और खुद इनसे आग्रह किया था कि वो एक बार जरूर फिर से अंग्रेज सरकार को अपना एक पिटिशन दायर करें तो इसके बाद 2 मई 1921 को सावरकर बंधुओं को रत्नागिरी जेल में लाया गया यानी कि उन्हें काला पानी से या सेलर जेल से अंडमान से वापस लाया गया और वो रत्नागिरी जेल में रखे गए यानी कि जेल से छूटे नहीं और यहीं विनायक सावरकर ने हिंदुत्व पुस्तिका लिखी 6 जनवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया किंतु उनकी गतिविधियों को रत्नागिरी जिले तक सीमित कर दिया गया इसके तुरंत बाद उन्होंने हिंदू संगठनों को एकजुट करने का काम आरंभ किया औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें रहने के लिए बंगला दिया था और उन्हें साठ रुपये का पेंशन भी मिलता था रत्नागिरी के भीतर वो रहते थे और उन्हें एक पेंशन मिलता था कई सारे बड़े लोग उनसे आकर उनके इस निवास स्थान पर मिले भी जिसमें महात्मा गांधी भी एक थे 1937 में उनके रत्नागिरी तक सीमित रहने की पाबंदी खत्म कर दी गई और फिर वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने सावरकर 10 दिसंबर 1937 को हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में इसके अध्यक्ष बने वे अगले सात वर्षों तक इसके अध्यक्ष बने रहे उन्होंने हिंदुओं को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में गोलबंद करने का प्रयास किया और उन्होंने हिंदुओं को अपने आप में एक राष्ट्र की संज्ञा दी यह माना जाता है कि सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में बहुत सफल नहीं रहे और उनके भीतर इस क्षमता का अभाव था कि वो एक संगठन की रोज रोज की जो गतिविधियाँ होती हैं उसको संचालित कर सकें जिसके कारण से उन्हें फिर हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और फिर वो एक अन्य बड़े नेता के पास वो पद गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास जो बाद में देश की जो पहली कैबिनेट बनी उसमें मंत्री भी बने थे और इस तरीके से हिंदू महासभा के उनका जुड़ाव काफी गहरा रहा लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो हिंदू महासभा का बहुत विस्तार नहीं कर सके कांग्रेस का विकल्प बनने की स्थिति में लाने में नाकाम रहे इस दौर में उनके संगठन ने अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए कोई काम नहीं किया अः उन्होंने यानी कि वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया भारत छोड़ो आंदोलन मुझे उम्मीद है आप ये जानते होंगे उन्नीस सौ में देश की आजादी के लिए चलने वाला एक बड़ा आंदोलन था जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने आरंभ किया था देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इसमें भाग लिया था और इस आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की श्रृंखला में हम जिन लोगों को पढ़ेंगे उनमें से कई लोगों ने उसमें सक्रिय भागीदारी की थी और वो लंबे समय तक जेल में भी रहे थे लेकिन आ, सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया आ, ऐसा नहीं था कि सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस जो कि उन्नीस में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के बाद कांग्रेस से अलग होकर देश से बाहर जाकर देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे उनका आह्वान किया, किया और उन्होंने ये भी गौरतलब है कि इसी दौर में मुस्लिम लीग के साथ उनका जो दल था हिंदू महासभा वह मिलकर अपनी एक सरकार चला रहा था बाद में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को तो उसमें साजिश रचने का मुकदमा भी उन पर चला क्योंकि नाथुराम गोडसे से से उनका परिचित था नाथुराम गोडसे उनसे मिलता था लेकिन जब ये मुकदमा चला लंबे समय तक फिर वो इससे बरी हो गए लेकिन आख जीवन के आखिरी दौर में वो राजनीतिक तौर पर काफ़ी आप्रासंगिक हो गए थे आ, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या का दाग उन पर लगा था हालांकि वो आ, इन आरोपों से मुक्त हो गए थे लेकिन उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई थी और सामाजिक स्तर पर भी उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आँच पहुंची थी वो लेखन कार्य करते रहे और लेकिन इसी दौर में 26 फरवरी उन्नीस को इनका देहांत हो गया और अभी भी इनके विचार भारतीय राजनीति को काफी उद्वेलित करते रहते हैं जिसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे सावरकर ने बहुत सारी रचनाओं की रचनाओं को तैयार किया लिखा और उसमें उनकी पूरी सूची दे पाना यहाँ पर संभव नहीं है वो एक उपन्यासकार थे नाटककार थे कवि थे और उन्होंने इतिहासकार के रूप में भी कुछ किताबों की रचना की सिद्धांतकार थे हिंदुत्व का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया कई छोटी कहानियाँ उन्होंने लिखीं तो इस लिहाज से उन्होंने बहुत विपुल साहित्य रचा उनकी कुछ किताबों का नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ द इंडियन वॉर ऑन इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व और फिर माइट ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ हिंदू राष्ट्र दर्शन सिक्स ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ और ग्लोरियस और गोल्डन एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये सब उनकी प्रमुख किताबें थी और सबसे जो महत्वपूर्ण बात जहाँ से मैं शुरुआत करूँगा इनके विचारों की चर्चा की वह यह है कि सावरकर के जीवन के दो भाग हमारे सामने तो साफ तौर पर दिखते हैं एक भाग जहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं और वो इस बात की पहचान करते हैं कि हिंदुस्तान के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वह औपनिवेशिक शासन है वो अंग्रेज हैं और इस लिहाज से वो अठारह की जो क्रांति थी जो अठारह का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं अपनी पहली पुस्तक द इंडियन वॉर ऑन इंडिपेंडेंस में वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक के रूप में सामने आते हैं असल में जो सावरकर थे ये एक उनकी किताब के हिंदी अनुवाद का कवर पेज है तो जो सावरकर थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अठारह के संग्राम को स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी इसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे अठारह के विद्रोह में हिंदुओं और मुस्लिमों ने मिलकर अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया था और वो इस बात को बार बार ये रेखांकित करने की कोशिश करते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं जब वो एक साथ मिल गए तो वो अंग्रेजों को एक बहुत ही मजबूत चुनौती दे पाए तो इस लेखन में कहीं से भी उनको यह आभास नहीं होता है कि वो हिंदू और मुस्लिमों को बिल्कुल पृथक मानते हैं जिस तरह के विचार उनके बाद के लेखन में या उनके हिंदुत्व के थीसिस में सामने आया तो ये जो लेखन है इसे कई बार उद्धृत किया जाता है और बार-बार इतिहास में भी इसका जिक्र होता है और इसका श्रेय विनायक दामोदर सावरकर को दिया जाता है कि उन्होंने इसको एक पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा हालांकि कुछ लोग इसको विवादित करते हैं और ये कहते हैं कि कई अन्य विद्वान भी पहले ऐसा कह चुके थे लेकिन मोटे तौर पर इसका श्रेय सावरकर को ही दिया जाता है हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पर हम उनकी विचारों को समझने की कोशिश अगर करें तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि कुछ कौन सी आखिर ऐसी घटनाएं हुई यह ध्यान देना पड़ेगा जिसके कारण से एक ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की का समर्थक था या कम से कम हिंदू और मुस्लिमों को दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में अलग अलग ऐसे समूहों के रूप में नहीं दे सकता था जिनके भीतर कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता है वो आखिर क्यों हिंदुत्व का समर्थक बन गया कई लोग यह कहते हैं कि जब वो अंडमान के सेलर जेल में थे तो वहां पर जो जेलर थे वो एक मुस्लिम थे और वो बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति था और वो कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था कैदियों के साथ उसका सलूक धर्म के आधार पर भी बुरा होता था पर शायद इन सब बातों ने सावरकर के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला और वो धीरे 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 कर कर इस विचार के समर्थक बनते गए कि जो मुस्लिम समुदाय हैं और जो हिंदू समुदाय हैं उनके हित पूरी तरीके से अलग हैं कई लोग आ, और तरह से इसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि सावरकर को खुद यह एहसास हुआ कि अगर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो हिंदुत्व ही वह रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से भारत एक मजबूत राष्ट्र बन सके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे हम अखबारों में जब किसी लेखन को पढ़ते हैं आज के दौर में तो हिंदुत्व शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो वो उसको हिंदुइजम के अनुवाद के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आमतौर पर जब हिंदुत्व की बात सावरकर कहते हैं तो वो हिंदू धर्म की बात नहीं करते हैं वो एक ऐसे सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं जिसकी कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं तो सावरकर का हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है बल्कि सावरकर का हिंदुत्व एक राजनीतिक थीसिस है और उसे हमें समझना पड़ेगा जेल से निकलने के बाद इन्होंने खुद को हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति से जोड़ा और इन्होंने 24, 24 को रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन किया बाद में इसका विलय हिंदू महासभा में हो गया जिसका गठन उन्नीस में किया गया था और मैंने आपको बताया कि उन्नीस में खुद सावरकर इसके अध्यक्ष बने थे तो एक तरीके से जो हिंदू सभा का गठन फिर हिंदू महासभा से मिलना यह उनके विचारों में बदलाव को दिखाता है यानी कि पहले जो वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे उससे अलग व्यक्ति के रूप में इनका विकास सामने आता है और मैंने पहले उल्लेख किया है कि इनके इनके कुछ विचारों में बदलाव के लिए अंडमान के जेल में एक मुस्लिम जेलर की क्रूरता को प्रमुख कारण मानते हैं इसके अलावा वे गांधी की अहिंसा की नीति को भारत की आजादी के लिए सही रास्ता नहीं मानते थे उन्होंने उन्नीस में चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के महात्मा गांधी के फैसले को भी गलत माना और इसके साथ जुड़ा हुआ मसला था कि खिलाफत आंदोलन को जो सहयोग आंदोलन से जुड़ा गया और फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता पर जो उनका भरोसा था वो इसलिए भी कम हुआ क्योंकि उसके बाद जो दंगे हुए थे उसने भी इन उनके मन को काफ़ी खट्टा किया और उनका विचार दृढ़ होता गया कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक साथ समान रूप से रहने वाले समुदाय के रूप में नहीं रह सकते हैं 1923 में रत्नागिरी जेल में रहते हुए उन्होंने एक पुस्तिका हिंदुत्व हु इज अ हिंदू की रचना की आगे चलकर यह हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए सबसे मूल ग्रंथों में से एक बन गया इसमें उन्होंने पितृभू और पुण्यभू की अवधारणा प्रस्तुत की उन, उनके मुताबिक उन्हीं धर्मों के मतावलंबी भारत के वास्तविक नागरिक माने जा सकते हैं जिनका पितृभू और पुण्यभू दोनों ही भारत हो पितृभू और पुण्यभू का मतलब ये हुआ कि यहाँ और यहाँ मातृभू और पितृभू के भी अंतर को समझना पड़ेगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत माता का पूरा चरित्र गढ़ा जा रहा था पर उससे अलग सावरकर जो है वो पितृभू की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और वो ये कहते हैं कि पितृभू का मतलब हुआ कि यहीं पर जिसका जन्म हुआ हो ठीक है तो वो पितृभू हो गया लेकिन पुण्यभू क्या हुआ पुण्यभू का मतलब हुआ कि ऐसे लोग जिनकी धार्मिक श्रद्धा के स्थल भी इस देश में हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हिंदुओं को लें, तो इक्का उदाहरणों को छोड़ दे तो सारे के सारे हिंदुस्तान की सीमा रेखा के भीतर ही हैं। चाहे वो काशी हो चाहे वो संगम हो चाहे वो रामेश्वरम हो या कोई भी एक स्थान ले वो हिंदुस्तान की सीमा के भीतर है अगर हम सिखों की बात करें तो गुरु नानक देव के जन्म स्थान को शायद छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है स्वर्ण मंदिर वो हिंदुस्तान में ही है और भी कई जगह हो सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में भी यह बात सच है तो फिर यह बात किसके बारे में सच नहीं है यह बात मुख्य रूप से मुस्लिमों और ईसाइयों के बारे में सच नहीं है और सावरकर के निशाने पर अः मुस्लिम ज्यादा थे और उनका यह कहना था कि अः वही लोग वास्तविक नागरिक माने जाए जिनका पितृभू और पुण्यभू दोनों भारत में हो तो मुस्लिमों का जो पुण्य भूमि है वो तो मक्का या मदीना मान सकते हैं हम तो वो फिर सावरकर के हिसाब से भारत के नागरिक नहीं हुए या पूरे नागरिक नहीं हुए उन पर पूरा भरोसा नहीं जताया जा सकता है तो इसलिए आज से वो पितृभू और पुण्यभू की अवधारणा के, के माध्यम से कुछ खास समूहों का एक्सक्लूजन या बहिष्करण करते हैं और यह बहिष्करण जो है वह काफी हद तक दोयम दर्जे की नागरिकता का आधार भी बन सकता है या एक तरीके से सावरकर की रूपरेखा में है और एक तरीके से यहाँ पर दो राष्ट्र होने की संकल्पना भी सामने आ जाती है कि कैसे जिनका पितृभू और पुण्य भू है वो एक समूह हो गए लेकिन जिनका पितृ और पुण्य भू में से सिर्फ पितृभू है वह दूसरे समूह हो गए और वो पहले समूह से पूरी तरीके से अलग हुए अपने जीवन के आखिरी दिनों में और ये सावरकर का जो ये विचार था धीरे धीरे करके मजबूत होता गया पुख्ता होता गया और उसमें वो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात को उभार कर सामने लाने लगे अपने जीवन के आखिरी दिनों में सावरकर ने किताब पूरी की आ, पूरी की थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद उन्नीस में प्रकाशित हुआ इस किताब का शीर्षक था सिक्स गोल्डन और एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कई ग्लोरियस एपॉक्स भी कहा जाता है इसमें इससे यह पता चलता है कि वो इतिहास को कैसे देखते थे असल में वह इसे हिंदुत्व का पूर्ण इतिहास मानते थे यह सिर्फ किसी एक भाग मसलन धर्म या आत्मिकता का इतिहास नहीं था बल्कि हिंदुत्व इतिहास की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता था सावरकर के अनुसार इतिहास का पहला युग उस समय खत्म होता है जब अलेक्जेंडर यहाँ से चले जाते हैं सावरकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को इस युग के नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वे उनका महिमा मंडन करते हैं इस संदर्भ में वे अशोक की हिंसा की नीति को अहिंसा की नीति को पूरी तरह गलत मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अहिंसा की नीति के कारण ही हिंदुओं का पतन हुआ और भारत पर बाहरी आक्रमण हुआ दूसरे दौर में हिंदू भारत पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तीसरे और चौथे युग में सावरकर विक्रमादित्य और शोशो धर्म द्वारा शक और हूण से सत्ता फिर से हासिल करने को महत्वपूर्ण मानते हैं वे मध्य युग को पांचवी युग के रूप में वर्णित करते हैं और इसे 1200 सालों की गुलामी की संज्ञा देते हैं इसमें वे सल्तनत या मुगल दौर या दिल्ली से बाहर हो रहे घटनाक्रमों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं यह पूरी अवधि उनके लिए गुलामी का युग है तो मुख्य रूप से हमें यह ध्यान देना होगा कि जो कुछ अवधि को छोड़कर सल्तनत या मुगल दौर में हिंदुस्तान का बहुत सारा ऐसा हिस्सा था जिस पर कि मुस्लिम शासकों का नियंत्रण नहीं था लेकिन अपने इस वर्णन में सावरकर इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और वो पूरे का पूरा एक 1200 सौ अवधि बारह सौ वर्ष की अवधि तैयार करते हैं और वो कहते हैं कि इस पूरे दौर में भारतवर्ष गुलाम रहा और वो मुस्लिमों की गुलामी पर ज्यादा जोर देते हैं छठे युग को वो हिंदू राज्य की पुनर्वापसी के रूप में वर्णित करते हैं यह भी गौरतलब है कि पहले भी वे हिंदू पातशाही नाम के पुस्तक की रचना कर चुके थे और शिवाजी इसमें नायक हैं वे हिंदू राज की पुनर्स्थापना करते हैं और उनकी महिमा फिर से वापस आ जाती है लेकिन इसी पुस्तक में कई स्थानों पर सावरकर के विचार थोड़े विवादास्पद रूप में भी सामने आते हैं कई स्थानों पर वे हिंदू महिलाओं पर हुए अत्याचार के बदले में मुस्लिम औरतों पर अत्याचार का समर्थन करते नजर आते हैं मसलन वे शिवाजी द्वारा मुस्लिम स्त्रियों के अपमान न करने की प्रशंसा नहीं करते हैं वे लिखते हैं कि नारी संबंधी प्रचलित विकृत विचारों के कारण न तो शिवाजी और ना ही चिम्मा जी मुसलमान औरतों के साथ ऐसा बर्ताव जैसा कि हिंदू औरतों के साथ मुस्लिमों ने किया था कर पाए अंततः यह हिंदू समुदाय के लिए बहुत घाटे का सौदा साबित हुआ निश्चित रूप से हिंदुत्व के रूप में सामने आए उनके विचार उनके जीवन के आखिरी समय तक उनसे जुड़े रहे यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि मुस्लिमों के प्रति उनके मन में अलगाव और नापसंदगी और ज्यादा खुले रूप में सामने आने लगी यह बहुत ही एक तरीके से खतरनाक विचार भी है कि वो इस बात को मानते हैं कि अगर किसी एक समय में जो मुस्लिम शासक हैं या मुस्लिम विजेता हैं मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने अगर हिंदू महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया था तो यही बर्ताव जो हिंदू विजेता थे उन्हें करना चाहिए था और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह एक घाटे का सौदा था तो एक तरीके से अगर हम नारीवादी दृष्टिकोण से देखें तो यह विचार काफी आ, काफी गंभीर किस्म के हैं और इनकी काफी तीखी आलोचना की जा सकती है क्योंकि वो धर्म या शासकों के बीच की लड़ाई में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में तब्दील कर देते हैं और जैसे को तैसा के रूप में वो चाहते हैं कि अगर किसी एक विजेता ने महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया तो दूसरे स्तर के जो विजेता हैं उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था तो कुल मिलाकर ये जो दो पुस्तकों की के तर्क मैंने आपके सामने रखे उसका जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि 1923 के बाद से अपने जीवन के अंत तक जो सावरकर थे वो एक तरीके से हिंदू राष्ट्र के गंभीर समर्थक तो बने ही रहे मुस्लिमों के प्रति उनकी नापसंदगी भी लगातार बढ़ती गई और यह बात उनकी आखिरी पुस्तक और 201923 में छपी उनकी पुस्तक से साफ तौर पर जाहिर होती है गांधी और अहिंसा की भी सावरकर ने काफी तीखी आलोचना की थी सावरकर ने गांधी की अहिंसा नीति की आलोचना की वे नहीं मानते थे कि अहिंसा से देश को आजादी मिल सकती है उन्होंने इसे युवाओं को कमजोर और भ्रमित करने वाली नीति भी मानी यानी कि युवा जो हैं वो बजाय इसके कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष करें वो इस आ, मोह में पड़ गए हैं कि वो अहिंसा से मन की शक्ति से आ, अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं तो वो इसका दोष है वो डालते हैं पूरी तरीके से महात्मा गांधी पे कि उन्होंने एक गलत तरह की रणनीति अख्तियार कर ली उनका यह भी कहना था कि गांधी जो है वो मुस्लिमों के प्रति जरूरत से ज़्यादा रियायत दिखाते हैं और इसके इस ऐसा करके गांधी और कांग्रेस ने हिंदुओं को कमजोर करने का काम किया है गांधी की जो अहिंसा की नीति है उसके बारे में सावरकर की यह आलोचना एक व्यापक आलोचना का भाग मानी जा सकती है लेकिन उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है मिसाल के तौर पर हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि सावरकर जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया उन्होंने अहिंसावादी राजनीति की तो आलोचना की लेकिन खुद उन्होंने किसी क्रांतिकारी को समर्थन नहीं दिया खुद उन्होंने कोई क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा नहीं किया तो यह एक आलोचना जो है वो एक जवानी जमा खर्च की तरह था क्योंकि अगर आप अहिंसा को गलत मानते हैं तो फिर आप हिंसा के माध्यम से ही देश की आजादी के लिए कोई काम करते हैं जो सावरकर ने नहीं किया दूसरा यह भी अपने आप में अजीब लगता है कि सावरकर ने एक तरफ यह बात तो कही कि कांग्रेस और गांधी ने मुस्लिमों को रियायत दिया लेकिन खुद उनके दल ने जिस दल से वो जुड़े हुए थे जिसके वो अध्यक्ष थे उसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई बंगाल में तो ये एक तरीके से अंतरविरोध को अः दिखाता है सावरकर की गांधी की आलोचना के प्रति दूसरे कि गांधी की आलोचना इसलिए भी ज्यादा सही नहीं लगती है क्योंकि सावरकर अगर यह मानते थे कि वो जेल में रहकर अंग्रेजों के साथ किसी तरीके का संघर्ष नहीं कर सकते थे जैसा कि उनके समर्थक कहते हैं उनके पक्ष में कर लेने वाले लोग कहते हैं तो शायद ये कहा जा सकता है कि गांधी ने ज़्यादा सूझबूझ से संघर्ष का एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी कर सकें तो ये जो गांधी की उनकी आलोचना थी उसके सामने हमें इन तर्कों को भी ध्यान में रखना होगा सावरकर का एक महत्वपूर्ण विचार था कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रसार होना चाहिए वो मराठी भाषा के विद्वान थे और उन्होंने अंग्रेजी और मराठी भाषा में लेखन किया मराठी में उन्होंने बहुत तरह के नाटकों का उपन्यासों का कहानियों का सृजन किया किंतु उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि का समर्थन किया क्योंकि ये वे यह मानते थे कि यह हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की भावना को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करती है हालांकि जेल से छूटने के बाद सावरकर सावरकर ने और आ, सावर का एक महत्वपूर्ण योगदान आ, यह भी रहा कि जब वो आ, जेल से वापस आए, काला पानी से वापस आए तो उन्होंने रत्नागिरी में जो राजनीतिक कार्य किया आ, उस राजनीतिक कार्य का एक बड़ा हिस्सा छुआछूत का विरोध करना था उन्होंने हिंदू धर्म में अस्पृश्यता और जाति प्रथा की आलोचना की वे अस्पृश्यता या छुआछूत को अमानवीय और सबसे बड़ी बुराई मानते थे उनके अनुसार यह व्यवस्था हमें अपने सहधर्मियों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है यह मानव गरिमा का अपमान है उन्होंने यह कहा कि कुत्ते और बिल्ली के सड़क से गुजरने से रास्ता अपवित्र नहीं होता किंतु एक तथा कथित अछूत के गुजरने से उसे अपवित्र मान लिया जाता है एक लिहाज से उनकी सोच उस दौर के बड़े समाज सुधारको जैसी ही थी असल में हिंदुत्व के जिस विचार को वे स्थापित करना चाहते थे उसमें अस्पृश्यता बाधक के रूप में थी क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो एक हिंदुओं के बोलबाले की स्थिति हो जिसमें कि वो धर्म आ, के धर्मावलंबी या मतावलंबी जो हैं वो दूसरे श्रेणी के नागरिक हों मुस्लिम या ईसाई तो उस ऐसा बनाने के लिए जरूरी था कि कम से कम हिंदू धर्म के भीतर जो सब हैं वो तो बराबर हैं लेकिन हिंदुओं में ही यह एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर एक दूसरे आ, के साथ काफी ज्यादा अलगाव की स्थिति थी और जनसंख्या के एक बड़े समूह को अछूत माना जाता था इसीलिए सावरकर यह मानते थे कि जब तक जनसंख्या का एक बड़ा भाग अलग थलग रहेगा तब तक हिंदुत्व की स्थिति अच्छी नहीं होगी उन्होंने अछूतों के मंदिर प्रवेश का समर्थन किया और धारण करने और वेद पढ़ने जैसे उच्च जातियों के विशेषाधिकारों को नकारा यानी कोई उन्होंने यह कहा कि यह सिर्फ उच्च जातियों का विशेषाधिकार नहीं है कि वो अः मंदिरों में जाएं या वेद पढ़ें बल्कि सारे के सारे जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं सावरकर ने अछूत लोगों को भी जनेऊ देने का काम आरंभ किया 20 मई उन्नीस को रत्नागिरी में अछूतों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा कि हिंदू धर्म और वेदों पर उनका भी उच्च जातियों जितना ही अधिकार है उन्होंने उनसे कहा कि वे हिंदू धर्म के अंतर्गत एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें सावरकर की ये आलोचनाएं काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि एक तरीके से ऐसा करके वो पेशवा शासन के अंतर्गत कायम अस्पृश्यता के भीत देखिए आलोचना कर रहे थे पेशवा के शासन काल में अस्पृश्यता की स्थिति ये थी कि जो अछूत माने जाने वाले लोग थे उन्हें आ, उनके रास्ते पर निकलने का समय तय कर दिया गया था उन्हें अपने साथ झाड़ू लेकर चलना पड़ता था और अलग अलग तरह की ऐसी भयानक स्थिति थी कि वो अछूतों के लिए बिल्कुल या किसी भी संवेदनशील इंसान के लिए बिल्कुल नहीं ही असह्य थी तो एक तरीके से सावरकर ने उसकी तीखी आलोचना की और यहाँ वो एक बहुत ही प्रगतिशील चिंता के रूप में सामने आते हैं गांधी की तरह वे भी यह मानते थे कि सिर्फ कानून बना देने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता है बल्कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर लगातार प्रयास करने की जरूरत है निश्चित रूप से इस सामाजिक कार्य के पीछे उनका एक राजनीतिक लक्ष्य भी था वे राजनीतिक एकता को स्थापित करना चाहते थे तो यह एक महत्वपूर्ण कार्य था दामोदर विनायक दामोदर सावरकर का लेकिन इस कार्य की अगर हम तुलना करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन से तो अंबेडकर ने भी महार सत्याग्रह किया था और वो पानी के लिए संघर्ष के रूप में था लेकिन जो मुख्य बिंदु हम देखें दोनों के अलगाव की तो हमें यह समझना होगा कि जो सावरकर है वो हिंदू धर्म के ढांचे के भीतर अछूतों के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं काफी हद तक गांधी भी ऐसा कर रहे थे और जाति व्यवस्था की भी सावरकर निंदा करते हैं और वे उन सारे विशेष अधिकारों को अछूतों को भी देना चाहते हैं जो कि तथाकथित उच्च जातियों को मिली हुई है एक समय के बाद अंबेडकर का इस तरह के विचारों से पूरी तरीके से विश्वास हट गया और उनका यह विश्वास दृढ़ होता गया कि असल में हिंदू धर्म के ढांचे में ही खोट है और यह कभी भी समानता पर आधारित विचारों को बढ़ावा दे ही नहीं सकता है और उनका यह कहना था कि जब तक हम इस हिंदू धर्म ढांचे को प्रश्नांकित नहीं करेंगे और इसको आमूल चूल तरीके से बदल नहीं देंगे तब तक हम पूरी तरीके से अस्पृश्यता को खत्म नहीं कर सकते हैं या हम जातिगत समानता की बात नहीं कर सकते हैं और इसी कारण से कुछ वर्षों के बाद यानी कि जब ये रत्नागिरी में इस तरह के प्रयास कर रहे थे सावरकर उसके बाद कम्युनल अवार्ड का मुद्दा आता है फिर महात्मा गांधी आमरण अनसन या भूख हड़ताल पर चले जाते हैं पूना पैक्ट होता है और इन सब घटनाक्रमों के बाद धीरे धीरे करके अंबेडकर का जो मोह है वो हिंदू धर्म से पूरी तरीके से एक टूट जाता है मोहभंग की स्थिति में पहुंच जाते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि हिंदू धर्म के ढांचे के भीतर कोई सुधार संभव नहीं है और वो फिर ये कहते हैं कि भले ही उनका जन्म हिंदू के रूप में हुआ हो वो हिंदू के रूप में बरेंगे नहीं तो ये जो एक पूरा ढांचागत परिवर्तन है उसकी बात सावरकर नहीं करते हैं महात्मा गांधी एक तरीके से समाज के भीतर ये चेतना जगाने की कोशिश करते हैं और महात्मा गांधी ज़्यादा बड़े स्तर पर काम करते हैं आ, सावरकर की तुलना में हम जरूर आ, इस बात को रेखांकित कर सकते हैं कि सावरकर एक लंबे समय तक रत्नागिरी तक ही बंधे रहे लेकिन जब उन पर ये पाबंदी हटाई गई उन्नीस में तब भी वो दूर दूर तक अपने कार्यों को इस कार्य को फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं हाँ यह जरूर है कि रत्नागिरी में उन्होंने कुछ प्रयास किया तो ये जो पूरा मसला है उसको हम इस रूप में देख सकते हैं सावरकर का एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो उनके तार्किक स्वरूप को प्रस्तुत करता है और यह विचार गो हत्या और गो पूजा के के बारे में उनका विचार है विनायक दामोदर सावरकर ने मराठी भाषा में लिखी गई अपनी किताब विज्ञान निष्ठ निबंध भाग एक और भाग दो में जो कि स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ था उसमें इस किताब के अध्याय 1.5 या एक दशमलव पांच में एक शीर्षक के माध्यम से गाय के बारे में अपने विचार को रखते हैं इस शीर्षक है इस, 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 इस पुस्तक के इस भाग का गोपालन हवे गोपूजन हवे हिंदी में इसका अनुवाद होगा गाय की देखभाल करिए लेकिन पूजा नहीं उनके अनुसार यदि गाय की पूजा इसलिए की जाती है कि वह इतनी उपयोगी है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी देखभाल इतनी अच्छी तरह से हो कि उसकी उपयोगिता ज्यादा बढ़ सके यदि गाय का सबसे अच्छा उपयोग करना है तो सबसे पहले आपको उसकी पूजा करनी बंद करनी पड़ेगी जब आप गाय की पूजा करते हैं तो आप मानव जाति का स्तर नीचे गिराते हैं ईश्वर सर्वोच्च है फिर मनुष्य का स्थान है और उसके बाद पशु जगत है गाय तो एक ऐसा पशु है जिसके पास मूर्ख से मूर्ख मनुष्य के बराबर भी बुद्धि नहीं होती ऐसा सावरकर कहते हैं वे कहते हैं कि गाय को दैवीय मानना और इस तरह से मनुष्य के ऊपर समझना मनुष्य का अपमान है उन्होंने यह भी लिखा है कि गाय एक तरफ से खाती है और दूसरी तरफ से गोबर और मूत्र विसर्जित करती है जब वह थक जाती है तो अपनी ही गंदगी में बैठ जाती है फिर वह अपनी पूँछ जिसे हम सुंदर बताते हैं से यह गंदगी अपने पूरे शरीर पर फैला लेती है एक ऐसा प्राणी जो स्वच्छता को नहीं समझता उसे दैवीय कैसे माना जा सकता है सावरकर ने यह प्रश्न भी किया कि ऐसा क्यों है कि गाय का मूत्र और गोबर तो पवित्र हैं, जबकि अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व की छाया तक अपवित्र यह एक उदाहरण दिखाता है कि किस तरह हमारी समझ खत्म हो गई है वे गाय के मांस खाने को भी पाप नहीं मानते इसी आलेख में उन्होंने यह लिखा है कि यदि हमारे हिंदू राष्ट्र के किसी अभेद्य नगर पर हमला होता है और रसद खत्म हो रही है तो क्या हम नई रसद आने तक इंतजार करेंगे तब राष्ट्र के प्रति समर्पण सेना की कमान संभाल रहे नेता के लिए यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह गोबध का आदेश दे और गोमांस को खाने की जगह इस्तेमाल करें यदि हम गाय की ऐसे ही पूजा करते रहे तो हमारे सैनिकों के सामने फिर यही विकल्प होगा कि वे भीखे मर जाएं और दूसरे लोग उनके नगर पर कब्जा कर लें। तो एक तरीके से हम जो गाय के बारे में इनके विचार हैं और उसमें कई सारी और पहलू भी वो आगे जोड़ते हैं उसको इसलिए देखने और समझने की जरूरत है क्योंकि सावरकर जिस रूप में हिंदुत्व की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं उस परिकल्पना में जरूर एक तरह से अगर हम मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बहिष्करण की बात कर छोड़ दें जिसके बारे में आगे थोड़े विस्तार से मैं बात करूंगा लेकिन अगर हम सिर्फ एक हिंदू धर्म के ढांचे के भीतर बात करें तो वह एक तार्किक चिंतन के रूप में सामने आता है उनका पूरा जो हिंदुत्व का विचार है या जिस तरीके की वह एक समाज की रचना करना चाहते हैं यानी कि इस पूरी रूपरेखा के भीतर जिसे हम एक हिंदुत्व की धारा कह सकते हैं रीजन या तर्क बुद्धि का एक महत्वपूर्ण स्थान है इस रीजन के के आधार पर ही वह गो हत्या या गो पूजा प्रश्न को देखते हैं यानी कि उनका यह कहना है कि आप गाय को एक उपयोगी पशु मानिए उसकी देखभाल कीजिए लेकिन उसकी पूजा मत कीजिए अब हम इस चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से तब समझ सकते हैं जब उन्हीं के विचारों का अनुसरण करने वाले धारा के लोग गाय को एक ऐसा मुद्दा बना देते हैं जिसके आधार पर कई बार समाज में अशांति पैदा हो जाती है और ये बार बार ये चीज होती रहती है कुछ वर्षों के अंतराल पर तो सावरकर इस तरह की प्रवृत्तियों के सख्त मुखालपत करने वाले चिंतक के रूप में सामने आते हैं और वो श्रद्धा की भावुकता की परंपरा की बात नहीं करते वो सीधे तौर पर एक रीज़न का इस्तेमाल करते हुए यह बताते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण से हमें गाय की पूजा करनी चाहिए या हमें इसे दूसरे जानवरों से ऊपर मानना चाहिए और वे कहते हैं कि गाय एक पशु के रूप में गंदगी की समझ नहीं रखती है अपने शरीर को गंदा रखती है वहीं बैठ जाती है और फिर भी अगर हम उसकी पूजा करते हैं तो एक तरीके से हम अपने विवेक पर ही प्रश्न लगा रहे होते हैं वो ये भी कहते हैं कि ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि जब गाय को पाल कर रखने की तुलना में उसे मार कर खा जाना मनुष्य के लिए ज्यादा उपयोगी हो तो उसे ऐसा करना चाहिए और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सेना के सामने हिंदु हिंदू राष्ट्र की सेना के सामने आने वाली स्थिति का वर्णन करते हैं और आ, शायद यह भी एक हकीकत है कि अधिकांश जो लोग हैं वो गाय को इसी उपयोगितावादी दृष्टि से देखते हैं हाँ भावुकता जरूर है लेकिन समाज में ऐसे लोगों की संख्या भी बड़ी तादाद में मौजूद है जो गाय के उपयोगी न रहने पर उसे छोड़ देते हैं लेकिन जिस महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि यहाँ पर सावरकर पूरी तरीके से एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने आते हैं जो रीजन के आधार पर तर्क बुद्धि के आधार पर वस्तुओं की उपयोगिता या अनुपयोगिता के बारे में निर्णय लेने की बात करता है न कि इस आधार पर कि उसके बारे में सामाजिक परंपराएं क्या हैं धार्मिक स्तर पर उसे कैसे देखा जाता रहा है और इसका दूसरा उदाहरण अस्पृश्यता का भी है उन्होंने अस्पृश्यता को पूरी तरीके से प्रश्नांकित किया और उन्होंने जाति प्रथा को भी प्रश्नांकित किया और उन्होंने यह कहा कि इन सब चीजों से के दूर हुए बगैर हम एक बेहतर हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं और एक बेहतर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने के लिए यह जरूरी है कि हम इस तरह की जो आ, सीमाएं हैं उससे आगे निकले। तो एक एक बार फिर से एक, आ, अस्तर पे हम यह कह सकते हैं कि वे इस चीज पर जोर देते हैं कि किस तरीके से समाज में एक ऐसा ऐसी स्थिति बने जिसमें सभी जातियों और समूहों के लोग मिलजुल कर रहे अः तो ये इनके विचारों के प्रमुख पहलू के रूप में हमारे सामने आते हैं अब अगर हम इस पहलू की बात करें कि जो अस्पृश्यता की बात है तो वो हिंदू धर्म के भीतर इनका हल खोजने की बात करते हैं और उनके विचार अंबेडकर के विचारों से काफी अलग हैं। इस पहलू पर मैंने विस्तार से चर्चा की है इसलिए मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं लेकिन उनके हिंदुत्व के विचार पर काफी गहराई से विचार करने की या उस पर सोचने की जरूरत है कि क्या यह एक ऐसा विचार हो सकता है जिसका आ, जिसे हम एक बहुधर्मी देश के रूप में आ, जिसको हम अपना पाए हिंदुस्तान में हिंदुओं के भी की संख्या काफी ज्यादा है आ, और आ, लेकिन यहाँ पर दूसरे धर्म के अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भी हैं हमने एक लोकतांत्रिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया है सामाजिक स्तर पर अभी तक हम उसको पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर पाए हैं और जैसा कि अंबेडकर कहते थे कि अगर सामाजिक स्तर पर स्थापित नहीं है तो राजनीतिक लोकतंत्र कई बार सिर्फ नाम का ही रह सकता है लेकिन फिर भी वह एक महत्वपूर्ण चीज है राजनीतिक स्तर पर हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया है तो क्या हम अपने ही देश के बड़े अल्पसंख्यक समूहों को सिर्फ इसलिए एक अलग किस्म का नागरिक मान सकते हैं क्योंकि उनके जो पुण्य भूमि है जहां वो अपने धार्मिक पूजा अर्चना करते हैं वो भारत के बाहर कहीं और है और ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक देश के प्रति जो पूरी परिकल्पना उसे ही सवालों के घेरे में ला देता है और सावरकर के हिंदुत्व के विचार को हम इसी रूप में देख सकते हैं और कई बार यह कहा जा सकता है कि एक तरीके से यह पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समूहों का बहिष्करण करता है उन्हें दो दर्जे का नागरिक बना देता है और फिर यहीं से अल्पसंख्यक समूह एक अलग तरीके के राष्ट्र की मांग शुरू कर सकते हैं तो मोटे तौर पर ये जो एक विचार है कि हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समूह जिनकी पुण्य हिंदुस्तान से बाहर है वो दो अलग अलग बिल्कुल ही पृथक समूह हैं वो सावरकर के विचारों से सामने आता है सावरकर ने गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की तीखी आलोचना की और इस पर मैंने पहले थोड़ा सा इशारा किया है और मैं इस पर थोड़े विस्तार से आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो आलोचना है वो कई स्तरों पर भगत सिंह के द्वारा भी की गई क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के द्वारा भी आलोचना की गई और खुद सावरकर एक बड़े क्रांतिकारी थे 1911 से पहले तक उसके बाद धीरे धीरे इनके विचारों में बदलाव आता है तो इनकी आलोचना वैध हो सकती है वैध मानी जा सकती थी अगर ये खुद क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित होते हैं कुछ सीमाओं की तरफ मैंने पहले भी आपका ध्यान दिलाया है कि किसी भी आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज का भी समर्थन नहीं कर पाते हैं जो एक अन्य पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वह भाषा को लेकर और स्त्रियों के प्रश्न को लेकर और आर्थिक प्रश्न को लेकर ये तीन आयाम हैं जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा हालांकि भाषा में उन्होंने हिंदी का समर्थन किया वो खुद मराठी में लिखते थे अंग्रेजी में लिखते थे फिर भी उन्होंने हिंदी का समर्थन किया एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुत्व की भाषा के रूप में लेकिन इस लिहाज से वो भाषाई विविधता को बहुत ज्यादा सम्मान दे पाते हैं ऐसा नहीं लगता क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग तरह की भाषाएं हैं और उसमें किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाने का खतरा यह भी है कि अन्य जो भाषाएं वो धीरे धीरे खुद को हास्य पर महसूस करें या वो ये महसूस करें कि एक राष्ट्र राज्य के भीतर उनका उतना ज्यादा सम्मान नहीं है और ये प्रश्न हमेशा ही भारतवर्ष के राष्ट्र राज्य के लिए एक विवादित प्रश्न रहा है कि हिंदी को किस रूप में राष्ट्रभाषा या देश की सबसे प्रमुख भाषा के रूप में अपनाया जाए लेकिन जिस रूप में सावरकर उसे एक ऐसी भाषा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो हिंदुत्व की भाषा हो तो निश्चित रूप से इसमें अन्य भाषाओं की उपेक्षा का भाव निहित है सावरकर ने स्त्रियों को लेकर स्त्रियों के लेकर जो खास तौर पर एक विचार व्यक्त किया जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं वह काफी विवादास्पद है जहां पर वो स्त्रियों का तकरीबन वस्तुकरण कर देते हैं और वे कहते हैं कि चूंकि आ, मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू महिलाओं के साथ दुराचार किया इसलिए हिंदू विजेताओं को भी ऐसा करना चाहिए था तो अन्य मामलों में वो एक तार्किक व्यक्ति के रूप में स्त्री शिक्षा के समर्थक के रूप में ही सामने आते हैं वो महिलाओं को आगे बढ़ने की बात करते हैं लेकिन एक अन्य पहलू है उनके विचारों का और वह पहलू आर्थिक विचारों से संबंधित है सावरकर आर्थिक क्षेत्र में बहुत व्यवस्थित तरीके से कोई चिंतन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उनकी जो पूरी चिंता की का जो दायरा है उसमें एक तरीके से आर्थिक समानता का प्रश्न अनुपस्थित हो जाता है अनुपस्थित रहता है और वो इस बात पर तो काफी बल देते हैं कि किस तरीके से हम एक ऐसे दौर में पहुँचें जहाँ पर अस्पृश्यता ना हो छुआछूत ना हो लेकिन अगर एक ऐसा ऐसी समान व्यवस्था बनानी है जहाँ पर सबके पास समान आर्थिक संसाधन हो सभी लोग अपने जीवन में बराबरी के साथ आगे बढ़ पाए तो उसका मॉडल क्या होगा किस तरीके से राज्य उसको लागू करेगा उस दिशा में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है वो कितना वांछनीय है क्या आ, आ, क्या हिंदुत्व के भीतर सभी लोग आ, अपने आप में आ, सिर्फ हिंदुत्व के दायरे में ही खुश रहेंगे या इस तरह के प्रश्न अगर उभरेंगे तो उन्हें कैसे हल किया जाएगा या ये प्रासंगिक प्रश्न है या नहीं इस तरह के मुद्दों पर सावरकर बहुत व्यवस्थित तरीके से लेखन करने में सफल नहीं रहे कुल मिलाकर अगर हम एक व्यक्ति एक क्रांतिकारी एक देशभक्त और एक नेता के रूप में सावरकर के जीवन को देखें और एक चिंतक के रूप में उनके विचारों का अवलोकन करें तो उनके विचार हमेशा ही दो भागों में बटे हुए नजर आते हैं एक भाग अगर ए, क्रांतिकारी का है जो देश की आजादी के लिए न सिर्फ संघर्ष करते हैं बल्कि जिन्हें काला पानी की सजा मिलती है जिन्हें दो दो बार आजीवन कारावास की सजा मिलती है जो जेल में बहुत कष्ट सहते हैं देश की आजादी की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और लगातार संघर्ष में जुड़े रहते हैं और एक दूसरा पक्ष जो उन्नीस सौ के बाद सामने आता है वह यह कि वो पूरी तरीके से एक बहुमत कि धार्मिक समूह के नेता बन के रूप में उभरने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं हिंदुत्व की एक पूरी थीसिस देते हैं अल्पसंख्यकों के बहिष्करण की बात करते हैं यहाँ पर भी कुछ तार्किक बातें सामने आती हैं लेकिन बहुत सारी अतार्किक बातें भी रह जाती हैं तार्किक बातें का से तात्पर्य है कि वो अस्पृश्यता का विरोध करते हैं तार्किक बातों से तात्पर्य यह है कि वो गो पूजा जैसे रूढ़ी और अन्य कई रूढ़ियों की आलोचना करते हैं और अतार्किक पहलू का तात्पर्य यह है कि वो लगातार अल्पसंख्यकों के बहिष्करण की बात करते रहते हैं और बाद में कई अन्य विवादित चीजें उनके व्यक्तित्व से जुड़ती हैं जिन्होंने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया लेकिन जो उनका प्रभाव है वो वर्तमान भारतीय राजनीति पर काफी गहरा है उनकी अगर कुछ तीखे आलोचक हैं तो उनके पूरी तरीके से पसंद करने वाले लोग भी हैं और शायद एक राजनीतिक चिंतक के रूप में एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हम सावरकर को इन दोनों के बीच किसी एक स्थान पर अवस्थित कर सकते हैं और हम उनको आलोचनात्मक रूप से देखते हुए उनके योगदान को रेखांकित कर सकते हैं निश्चित रूप से उनके विचार अभी भी काफी प्रभावी हैं और वो बहुत सारे लोगों को उद्वेलित करते हैं और उन उनके जो काम हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिससे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में सावरकर एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में हमेशा ही उपस्थित रहेंगे आ, सावरकर के बारे में इस पूरी चर्चा से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उनको आपको उनके बारे में एक सामान्य जानकारी मिली होगी मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप उनके लेखन को और उनके बारे में और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे उनके बारे में एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे और यह जो चर्चा हम लोगों ने पिछले एक घंटे में की है वो एक बुनियादी आधार का या एक आरंभिक आधार का, का काम करेगी तो सावरकर के बारे में अपनी इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य चिंतक के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे नमस्कार